राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है ध्वनि कार्यक्रमों की श्रृंखला क्या है हमारे चारों ओर। क्या है हमारे चारों ओर, चारों ओर, चारों ओर, क्या है हमारे चारों ओर, चारों ओर, चारों ओर, क्या है हमारे चारों ओर। भूगोल शिक्षण के कार्यक्रमों की श्रृंखला के अंतर्गत अब प्रस्तुत है उच्चतर माध्यमिक कक्षा के छात्रों हेतु एक वार्ता। वार्ता का यह कार्यक्रम एनसीईआरटी द्वारा प्रकाशित भूगोल की पाठ्यपुस्तक भारत, लोग और अर्थव्यवस्था में संकलित पाठ पर आधारित है। वार्ता का शीर्षक है वार्षिक योजनाएं 1966 से 1969। चौथी पंचवर्षीय योजना के बजाय 1966 और 1969 के मध्य तीन वार्षिक योजनाएं बनाई गई थीं। इन योजनाओं में पैकेज कार्यक्रमों को अपनाया गया। पैकेज कार्यक्रमों में सुनिश्चित वर्षा और सिंचाई वाले चयनित क्षेत्रों में अधिक उपज देने वाले बीज, उर्वरक, पीड़कनाशी और ऋण की सुविधाएं उपलब्ध कराई गईं। इसे गहन कृषि जिला कार्यक्रम के नाम से जाना जाता है। इस पैकेज कार्यक्रम के द्वारा ही तथाकथित हरित क्रांति का सूत्रपात हुआ। परिणाम स्वरूप कृषीय उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि होने लगी। औद्योगिक विकास में भी मामूली सा परिवर्तन हुआ। 1968 से 1969 में औद्योगिक उत्पादन में पुनः वृद्धि होनी शुरू हुई। चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974। इस योजना के प्रमुख उद्देश्य थे, पहला, विकास की गति को तेज करना, दूसरा, कृषि उत्पादन में उतार चढ़ाव को घटाना, तीसरा, विदेशी सहायता की अनिश्चितताओं के प्रभाव को कम करना, चौथा, कमजोर तथा कम विकसित क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था को उत्प्रेरित करने के लिए उद्योगों को सारे देश में फैलाया गया, सामाजिक न्याय के साथ विकास को प्रोत्साहित करने वाले कार्यक्रम तैयार किए गए। योजना में शिक्षा और रोजगार के द्वारा साधनहीन और कमजोर वर्ग के लोगों की दशा सुधारने पर विशेष बल दिया गया। पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 1979। इस योजना में चौथी योजना के दौरान शुरू किए गए उपायों का विस्तार किया गया। इससे गरीबी के उन्मूलन पर विशेष ध्यान दिया गया। इस योजना में प्रादेशिक तथा क्षेत्रीय विकास के नियोजन में निदेशक नीतियों तथा कार्यक्रमों के प्रमुख घटक थे। पिछड़े हुए क्षेत्रों में अंतः प्रादेशिक आवंटन नीति, औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों में प्रोत्साहन नीति, कुछ विशिष्ट समस्याओं वाले क्षेत्रों में उपयोजना विधि तथा सामाजिक न्याय। पांचवी पंचवर्षीय योजना का प्रमुख लक्षण था देश के चुने हुए जनजातीय क्षेत्रों, पहाड़ी क्षेत्रों और सूखा प्रबल क्षेत्रों के लिए उपयोजनाएं तैयार करना। उपयोजना विधि में सामान्य विकास के क्रम को जारी रखना था। इसके लिए राज्य की योजना राशियों में से विशेष केंद्रीय सहायता का प्रावधान किया गया। इस योजना में समानता और बराबरी की पूर्व निर्धारित कसौटी पर आधारित एक राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया गया। इस कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों और वर्गों के समुदाय की न्यूनतम आवश्यकता को पूरा करने के उपाय किए गए।
यह विशेष रूप से ग्रामोन्मुख कार्यक्रम था। इसे समुदाय या समाज के कमजोर वर्गों की सामाजिक आर्थिक दशाएं सुधारने के लिए बनाया गया था। छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 1985। गरीबी हटाना इस योजना का सबसे बड़ा लक्ष्य था। योजना की कार्यनीति बुनियादी तौर पर यह थी कि कृषि और उद्योग दोनों की ही अवसंरचना को एक साथ मजबूत किया जाए। स्थानीय स्तर पर विशिष्ट लोगों का सहयोग लिया गया। राष्ट्रीय आय में अपेक्षाकृत गरीबों की भागीदारी बढ़ाने के लिए विभिन्न पुनर्वितरण उपायों की सिफारिश की गई। सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 1990। इस योजना के मूल सिद्धांत ये थे: विकास, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता और सामाजिक न्याय। इन्हीं सिद्धांतों को ध्यान में रखकर खाद्यान्नों का उत्पादन, उत्पादकता और रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए नीतियां और कार्यक्रम बनाए गए। उत्पादक रोजगार के अवसर बढ़ाने को अत्यधिक महत्वपूर्ण माना गया। वार्षिक योजनाएं 1990 से 1992। तत्कालीन राजनीतिक दबावों के तहत सातवीं योजना के बाद दो वार्षिक योजनाएं शुरू की गईं। सामाजिक परिवर्तन और रोजगार के अधिक से अधिक अवसर जुटाने के लिए इन वार्षिक योजनाओं में विशेष जोर दिया गया था। आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 1997। 1991 में नई आर्थिक नीति, विशेष रूप से नई औद्योगिक नीति की घोषणा की गई। इन्हीं नीतियों को ध्यान में रखकर यह योजना तैयार की गई थी। इनमें ढांचागत समायोजन नीतियां बहुत महत्वपूर्ण थीं। उदारीकरण के अनेक उपायों की घोषणा की गई। निजी क्षेत्र के विकास में, विशेष रूप से औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान की गई। अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में बड़ी तेजी से प्रगति हुई। आयात और निर्यात में भी भरपूर वृद्धि हुई तथा व्यापार घाटे में कमी भी दर्ज की गई। नौवीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002। इस योजना के उद्देश्य थे: अर्थव्यवस्था और समाज का सतत पोषकीय या टिकाऊ विकास, सभी के लिए भोजन और पोषण, मूलभूत न्यूनतम सेवाएं सुनिश्चित करना, जनसंख्या की वृद्धि को रोकना, स्त्रियों और सामाजिक दृष्टि से सुविधा वंचित वर्ग का सशक्तिकरण तथा पंचायती राज जैसी संस्थाओं को प्रोत्साहित करना। नौवीं योजना के दौरान औसत वार्षिक वृद्धि दर योजना के निर्धारित लक्ष्य से नीचे रही। दसवीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007। इस योजना में 8% औसत वार्षिक वृद्धि का लक्ष्य प्राप्त करने का प्रावधान है। आर्थिक विकास के अलावा इस योजना में मानव विकास के प्रमुख संकेतकों की निगरानी के लिए कुछ लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। ये लक्ष्य हैं: योजना की अवधि में 2007 तक गरीबी के अनुपात में 5% अंकों की कमी करना, श्रम शक्ति को लाभकारी रोजगार के अवसर जुटाना,
2003 तक सभी बच्चों को शिक्षा प्रदान करना तथा साक्षरता दर को 75% तक बढ़ाना। योजना में विकास के लिए अपनाई गई कार्यनीति में इनको शामिल किया गया है। भारतीय अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र की भूमिका को और अधिक बढ़ाना, अवसंरचनाओं में वृद्धि का प्रावधान करना, वित्तीय और मौद्रिक नीतियों में और अधिक लचीलापन लाना। इस योजना में सभी राज्यों के संतुलित विकास पर बल दिया गया है। इस योजना में राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुरूप प्रत्येक राज्य के लिए विकास दर और सामाजिक विकास के अलग अलग लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। इस योजना में ये भी शामिल हैं: समानता, सामाजिक न्याय, चालू योजनाओं को पूरा करना, सार्वजनिक उपक्रमों का निजीकरण, विशेष रूप से उनका जो क्षमता से कम उत्पादन कर रहे हैं। योजना का क्रियान्वयन। भारत में नियोजन की वास्तविक समस्याएं योजना निर्माण से नहीं अपितु उनके क्रियान्वयन से जुड़ी हैं। केंद्रीय स्तर पर योजना बनाने का दायित्व योजना आयोग का है, लेकिन क्रियान्वयन केंद्र और राज्य सरकारों के विभागों द्वारा किया जाता है। राज्य नियोजन के कार्य करने के लिए तैयार नहीं है। कृषि के विकास और संबंधित क्रियाकलापों, ग्रामीण और नगरीय विकास, परिवार नियोजन, परिवहन नियोजन तथा औद्योगिक विकास से जुड़ी नियोजन की समस्याएं जटिल होती हैं तथा इनके समाधान के लिए इनसे संबंधित विशेषज्ञता की जरूरत होती है। राज्य स्तर पर योजना बनाने और उसके क्रियान्वयन के लिए राज्य में विशेषज्ञ नहीं मिलते, इसीलिए राज्य स्तर पर योजना संबंधित विभागों की क्षेत्रीय जरूरतों को पूरा करने के लिए वितरण संस्था का कार्य करती है। क्या है हमारे चारों ओर, क्या है हमारे चारों ओर, चारों ओर चारों ओर, क्या है हमारे चारों ओर, चारों ओर चारों ओर। अभी आप सुन रहे थे ये वार्ता, वाचिका थी सुनीता चौहान। विषय संयोजक प्रोफेसर रामजन शर्मा, विषय संपादन आरपी मिश्र, आलेख एस के शर्मा, निर्माण संचालन प्रभुदयाल खट्टर, ध्वन्यांकन सतीश लाड़े और दीपक पांडे, निर्माण सहयोग दाऊदयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति वंदना अरिमर्दन।